तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर को कम एमबी में डाउनलोड कैसे करें। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप फ्री फायर गेम को सिर्फ 60 MB में डाउनलोड कर पाओगे। और ये जो ट्रिक है ये 100% रियल ट्रिक है। तो गाइज अगर आप फ्री फायर को कम एमबी में डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री फायर को कम एमबी में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है। वहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाएगा, एक 32 बिट का और एक 64 बिट का। तो गाइस अगर आपका जो फोन है वो 2 GB RAM का या फिर 3 GB RAM का फोन है और अगर आपके फोन में फ्री फायर जो गेम है वो लैग होके चलता है तो आपको यहाँ पे 32 बिट वाले फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना है। और अगर आपके पास 4 GB RAM, 6 GB RAM या फिर 8 GB RAM वाला फोन है और अगर आपके फोन में फ्री फायर गेम लैग नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 64 बिट वाले फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना है। मतलब कि 2 GB RAM और 3 GB RAM वाले फोन में आपको 32 बिट वाला फ्री फायर डाउनलोड करना है और 4, 6, 8 GB RAM वाले फोन में आपको 64 बिट वाले फ्री फायर को डाउनलोड करना है। तो जैसे मेरे पास 8 GB RAM वाला फोन है तो यहाँ पे मैं 64 बिट वाले फ्री फायर पे क्लिक करता हूँ। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड एनीवे का एक ऑप्शन आ चुका है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 60 MB का हमारे सामने यहाँ पे फ्री फायर गेम का APK आ चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका फ्री फायर गेम का APK है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज जब ही आपका APK डाउनलोड हो जाता है तो इसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और गाइज आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो फ्री फायर का APK है ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन आपका गेम यहाँ पे तभी चलेगा जब आपके फ़ोन में फ्री फायर गेम का OBB फाइल होगा। तो फ्री फायर गेम का जो OBB फाइल है उसको या तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो या फिर आप उसे गेम के अंदर से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आपके फ़ोन में फ्री फायर गेम का OBB फाइल आ जाएगा तभी आपका गेम जो है वो ओपन होगा। तो गाइज इस तरीके से आप फ्री फायर को कम एमबी में डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।